एबीवीपी छात्र नेताओं का एनएसयूआई छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय से किया पत्ता साफ। अध्यक्ष पद पर जहां दोगुने वोट से जीत हासिल हुई तो महज 5 वोटों के अंतर से जीता महामंत्री पद का प्रत्याशी। ये तस्वीरें वाराणसी की है जहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 8 जनवरी को छात्र संघ चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय में दिन भर हलचल देखने को मिली। विश्वविद्यालय में मतदान का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया। एक ओर जहां इस मौके पर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही थी। विश्वविद्यालय में मतदान के बाद दोपहर 3 बजे से वोटों की गिनती शुरू की गई तो प्रत्याशियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहराती दिखाई देने लगी। परिणाम आने के बाद विश्वविद्यालय में 2 साल से अपना वर्चस्व बनाए रखने वाले एबीवीपी के छात्र नेताओं के चेहरे पर मायूसी छा गई, तो दूसरी ओर एनएसयूआई के छात्र नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। विश्वविद्यालय में 2020 के चुनाव में एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने सभी पदों पर जीत हासिल की। चंदन कुमार मिश्रा, चंदन कुमार मिश्रा पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूपेण छात्र संघ, छात्र संघ संविधानानुसारम, संविधानानुसारम विश्वविद्यालयस्य, विश्वविद्यालयस्य संस्कृतस्य, संस्कृतस्य संस्कृतेश्च, संस्कृतेश्च रक्षां, रक्षां करिष्यामि, करिष्यामि छात्र विकासाय, छात्र विकासाय। जिसमें अध्यक्ष पद शिवम शुक्ला, उपाध्यक्ष पद चंदन कुमार मिश्र, महामंत्री पद अवनीश मिश्र और पुस्तकालय मंत्री रजनीकांत दुबे बने। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2016 में एनएसयूआई ने पूरे पैनल के 7 विश्वविद्यालय में जीत हासिल की थी और 2020 भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि एनएसयूआई के शिवम शुक्ला ने एबीवीपी के हर्षित पांडे को दोगुने वोट से शिकस्त दी, तो वहीं महामंत्री पद के लिए महज 5 वोटों के अंतर से एनएसयूआई के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। परिणाम आने के बाद एनएस सुरक्षा की व्यवस्था मुकम्मल है और अंदर मतदान केंद्र पे मोबाइल प्रतिबंधित है। छात्र अपने परिचय पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी और इसके अलावा कोई अधिकृत पहचान पत्र भी साथ ला रहे हैं, वही वोट दे पा रहे हैं। चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है। कुल 1950 मतदाता हैं और 20 प्रत्याशी हैं, जिसमें संकाय प्रतिनिधि पद के लिए जो संकाय प्रतिनिधि हैं उनको शामिल करके 4 पदों के लिए 4 पदाधिकारियों के लिए चुनाव हो रहा है और इसके अलावा संकाय प्रतिनिधि के लिए चुनाव हो रहा है। तो चुनाव में कोई छात्रों द्वारा मतभेद या कुछ अभी तक कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से चुनाव मतदान कार्य चल रहा है। प्रशासन की व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। परिणाम आने के बाद एनएसयूआई के छात्र नेताओं में हर्षोल्लास का माहौल था। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस बार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 2020 के छात्र संघ चुनाव में 50.82% मतदान हुए।